मेरे हाथ जम रहे हैं यार, ये देख रहे हो, हाथ कांप रहे हैं, हाथ जम रहे हैं, क्योंकि मैंने जैकेट वैकेट ना ये उतार के रखी हुई है अपनी। तो अभी मैं इसको देख लेता हूँ कि भाई हमारा प्रोडक्ट कैसा आया है, हमारा रिजल्ट कैसा है वीडियो का। तो भाई अभी ना ठंड का जो माहौल है वो इतना ज़्यादा हो रहा है भाई, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू कि भाई मैं अपनी रील्स कैसे शूट करता हूँ, कैसे एडिट करता हूँ, कैसे मैं सारी चीज़ें करता हूँ, वो भी अकेले। तो आइए देखते हैं। बोर या कट, और अपने को रील कहाँ शूट करनी है। तो भाई एक अच्छी रील शूट करने के लिए आपको एक अच्छी लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले भाई आपको एक अच्छी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी लाइक दिस, और उसके बाद भाई आपको करना पड़ेगा अपना सेटअप को तैयार। तो भाई मैं पहले यहाँ पे गाड़ी लगा लेता हूँ, और देन मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं अपनी रील्स कैसे शूट करता हूँ। उसके बाद जो मेरी एडिटेड रील रहेगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो फाइनल में कैसा तैयार हो जाता है। तो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो भाई अभी आप देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी वो खड़ी है, ये हमारा ट्राईपॉड का सेटअप लगा हुआ है, फ़ोन वोन इसमें लगा हुआ है मेरा। तो भाई इस तरीके से मैं अपनी रील शूट करता हूँ अकेले। भाई देखो कोई भी नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं है। इसी तरीके से भाई मैं अकेला, देखो मैं कपड़े वपड़े पहन के आ रखा हूँ, तो मैं इसी तरीके से रील वगैरह शूट करता हूँ। तो भाई लोग लोकेशन आप देख सकते हो, ये गुलरबोज डैम है भाई, मेरे घर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है भाई ये जगह, 5 मिनट लगता है यहाँ पहुँचने में। आप देख सकते हो भाई पानी कितना अच्छा हो रहा है, और साइबेरियन बर्ड्स भी यहाँ पे दिख जाएंगी बहुत सारी पानी में नहाती हुई। बहुत ही ज़्यादा मस्त जगह है भाई, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग जगह है। तो आप देख सकते हो भाई मेरा सेटअप किस तरीके से लगा हुआ है। तो इस तरीके से मैं अपनी रील वगैरह शूट करता हूँ। मैंने ना अपना कैमरा पहले से सेटअप पर लगा दिया था यहाँ पर ही। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी है जो कि फ्रेम में आ रही है गाइस। तो अभी आप देख सकते हैं भाई लोकेशन ये है भाई, पीछे मेरे सूरज है, तो मैंने सूरज की ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने रील को शूट करने के लिए भाई गाड़ी वहाँ पे लगा रखी, ताकि सन की जो मेरी लाइट ना वो मेरे फेस पे पड़े और अंधेरा ना आए वीडियोस के अंदर। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं अपनी अगली रील शूट करने वाला हूँ भाई। तो मुझे बैकग्राउंड ना भाई ऊपर मेरे को कुछ सिनेमेटिक सीन्स लेने हैं भाई इसके ऊपर की तरफ। तो मैंने आसमान को ना बिल्कुल ही क्लियर रखा है, और मैं अपनी गाड़ी पर यहाँ पर फोकस कर दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से लॉक कर दूंगा इसको। और भाई देखो अब मैं करने वाला हूँ अपनी रील को शूट, अभी आप देखते रहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं चलूंगा भाई, नेक्स्ट डे। तो अभी मैं इसको देख लेता हूँ कि भाई हमारा प्रोडक्ट कैसा आया है, हमारा रिजल्ट कैसा है वीडियो का। तो ये जा रहा है आपका भाई। तो भाई कुछ इस तरीके से रील आपकी आ गई है, तो फाइन, बहुत अच्छी हमारी रील बनी है भाई। और नेक्स्ट जो हमारी रील होने वाली है वो मैं आगे से गाड़ी चला के लाने वाला हूँ, ठीक है, और सामने ला के रोकने वाला हूँ। हमारे कैमरे का एंगल थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो ऑटो फोकस पे रखते हैं इसको, और इसको कर देते हैं चालू। आगे से अभी रील यहाँ से घुमा के लाऊंगा। की फ्रेम के अंदर हमको आगे रुकना है भाई कुछ इस तरीके से, और बंद कर देना है गाड़ी को, और इस तरीके से आके अपने गाड़ी पे हाथ रखना है, हाथ पीछे करना है, और देखना है भाई पीछे की तरफ को इस तरीके से, और लेके कुछ इस तरीके से आपकी रील शूट होने वाली है भाई। अगर कभी लड़की और बाइक में से चुनने का मौका मिले तो भाई हमेशा अपनी बाइक को चुनना, क्योंकि लड़की आपको कभी भी और कहीं भी धोखा दे सकती है, और वहीं आपकी गाड़ी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। हाँ, तो ये भाई हमारी हो गई थर्ड रील शूट हो गई। अब देख लेते हैं हमारा वीडियो कैसा आया है। तो अभी आप देख सकते हो भाई मैं किस तरीके से वीडियो का एंगल बना रहा हूँ, सामने गाड़ी खड़ी है, और भाई ट्राइपॉड का भी पूरा इस्तेमाल कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो इस तरीके से भाई देखो हाई एंगल से भी आप वीडियो बना सकते हो, बहुत ही ज्यादा स्लो एंड स्टडी भाई मैं कैमरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो भाई कुछ रील वगैरह हमने शूट कर ली है, और छोटा मोटा सा एक हमने वीडियो भी बना लिया है अपना। तो भाई अभी ना ठंड का जो माहौल है वो इतना ज़्यादा हो रहा है भाई, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे हाथ जम रहे हैं यार, ये देख रहे हो, हाथ कांप रहे हैं, हाथ जम रहे हैं, क्योंकि मैंने जैकेट वैकेट ना ये उतार के रखी हुई है अपनी। भाई रील के लिए देख रहे हो क्या क्या करना पड़ता है, बट कोई बात नहीं यार, देखो जब रिजल्ट मिलता है ना यार तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है जिसे बोलते हैं। तो भाई अगर रिजल्ट नहीं भी मिल रहा है तो भी लगे रहो, स्टिल कोई दिक्कत नहीं है, होगा भाई, आज नहीं होगा 2 साल बाद होगा, पर होगा ज़रूर मेरे भाई। हो सकता है आपके पास 2-2 साल ना हो मेरी ही तरह, तो अगर आपके पास कम टाइम है तो भाई आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ मैं बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट, जो लोग मेरी तरह हैं जिनके पास बहुत कम समय है भाई, जैसे कि मैं मानता हूँ कि मेरे पास 2 साल है, सिर्फ 2 साल,
वो इसलिए मानता हूँ कि भाई देखो 22-23 साल मेरी उम्र हो चुकी है, ठीक, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस कर ली हैं, देख चुका हूँ, बहुत बुरी बुरी चीज़ें देख चुका हूँ, तो इसीलिए मैं मानता हूँ भाई अगर 25 साल की उम्र तक मैं कामयाब नहीं हो पाया तो ज़िंदगी में नहीं हो पाऊँगा। अपने दम पे यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार। हो सकता है कि ये गाड़ी खरीदना किसी के लिए यूँ चुटकियों का खेल हो, बट मेरे को इतने साल लग गए भाई ये गाड़ी खरीदने के लिए, ये सेटअप बनाने के लिए, 60-65 हज़ार रुपये का सेटअप बनाने के लिए मुझे बहुत समय लग गया भाई। मैं सपने की तरह देखता था इस मोटो व्लॉगिंग सेटअप को, बट अब मुझे यकीन नहीं होता कि यार मैं सच में मैं कर चुका हूँ वो चीज़। तो अब इससे नीचे नहीं जाना है, इससे ऊपर जाना है। हाँ भाई, तो मैं ये बोल रहा था कि जो लोग मेरी तरह सोचते हैं कि भाई हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, 2-3 साल हैं अपने आप को दिए हुए हम लोगों ने, इसके बाद हमें शादी करनी है, या इसके बाद हमें अपने मम्मी को टाइम देना है, या इसके बाद हमें घर बनाना है, या इसके बाद मैं नौकरी कर लूँगा, अपने घर वालों की बात मान के मैं नौकरी की तैयारी कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा ना। जैसे मैं हूँ भाई कि मैंने 2 साल दिया अपने आप को, अगर आप मेरी तरह ही सोच रखते हो तो आपको अगले 10 साल की मेहनत ही 2 साल में करनी पड़ेगी। तो आप सोच लो कि 10 साल की मेहनत भाई 600-650 दिनों में आपको करनी है, तो सोचो कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई मैं मानता हूँ ना, अगर आपको जल्दी से जल्दी कुछ हासिल करना है, कुछ अचीव करना है, तो भाई आप लोगों को कई सालों की मेहनत ना 1 साल में ही करनी पड़ेगी भाई, इसी साल करनी पड़ेगी। भाई हमें किस बात का डर है ये बताओ, हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं ना, हमें डर किस बात का है यार? क्या है हमारे पास हारने को? ये बेकार सी ज़िंदगी भाई, इस ज़िंदगी से होने से अच्छा है ना कि ना ही हो ज़िंदगी। दाव पे अगर लगा भी है तो वो ये वाली ज़िंदगी भाई, कोई राजपाट नहीं है, कोई बहुत बड़ी आपकी सल्तनत नहीं खड़ी है जो आप हार जाओगे भाई, यही ज़िंदगी है आपके पास वो भी यूज़लेस। सोच लो, हम मिडिल क्लास फैमिली के लड़के कहीं नहीं आते, हमें लाइफ में भाई कुछ अचीव करना है तो हमारी शादी होगी, तो हमें कोई लड़की मिलेगी, ठीक है, अगर हमने कुछ अचीव किया तो हमारे मम्मी पापा अच्छी जगह खाना खा पाएंगे, अच्छे कपड़े पहन पाएंगे। भाई सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी बहन की शादी, हमारे भाई का फ्यूचर, हमारे माँ बाप का बुढ़ापा, हर एक चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हारने के लिए ना भाई कुछ भी नहीं है आपके पास, तो पूरा दम लगा दो कुछ पाने के लिए, कुछ जीतने के लिए। वो बोलते हैं भाई कि जब खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो पाने के लिए पूरा आसमान होता है। भाई आप आसमान की तरफ देख लो, इतना बड़ा आसमान है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को मेरी ये वीडियो से थोड़ा सा मोटिवेशन और मिलेगा। भाई मैं चाहता हूँ ना कि मेरे सारे भाई जितने भी मेरी एज के हैं, मेरे से बड़े हैं, मेरे से छोटे हैं, उन सब लोगों को इतना मोटिवेशन मिल जाए कि वो बंदे अपनी ज़िंदगी में ना हर बंदा कामयाब हो। भाई मैं अपने सारे भाइयों को ना मर्सिडीज़ में, ऑडी में, रोल्स रॉयस में घूमता हुआ देखना चाहता हूँ। तो इसीलिए भाई मेरी सारी वीडियो सिर्फ लड़कों के लिए होती है, हम जैसे लड़कों के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई मेरे को समझाने के लिए कोई नहीं था, पर आपको समझाने के लिए मैं हूँ। तो भाई लोग इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नज़ारा और मेरी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक दीजिएगा, और इसी तरीके से भाई आप लोगों के लिए मैं आता रहूँगा, क्योंकि अब भाई आपका और मेरा साथ कभी नहीं छूटने वाला है क्योंकि अब मैं भाई रेगुलरली आपके लिए वीडियो लाने वाला हूँ। इसी तरीके से अपना प्यार मुझे देते रहिए, तो मिलता हूँ बहुत जल्द आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाई सुरक्षित रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, और गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा प्यार से चलाएंगे। स्टे सेफ, राइड सेफ, बाय बाय।